हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं बिजली के झटके, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कभी लीक कर गया, ये चल रहा है कभी ऐसा है लीक कर गया, इसके बॉडी पे करंट आने लगा, लेकिन यहाँ से इसका बाईपास होने के लिए कहीं से भी कोई जगह नहीं है, और हम लोग जब जाके टच करेंगे इसको तो हम लोग को शॉक लगेगा, राइट। तो हम लोग अब इसको टच करने वाले हैं, तो इसलिए 3 2 1 फिर इससे चिपका रह जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा हीवी करंट लग जाता है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो हम लोग ये RCC भी लगा कर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी ले सकते हैं। हेलो टेक्निकल माइंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं बिजली के झटके, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उससे कैसे सेफ्टी पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली आता है वो फेज और न्यूट्रल करके आता है, उसके आगे हम लोग MCB लगाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ताकि अगर कोई भी अगर फॉल्ट होता है, ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो, तो उससे हम लोग को सेफ्टी दे, ओके, और मेरे डिवाइस को बचा दे। जैसे इधर मान लीजिए इन्वर्टर या जनरेटर कुछ भी यूज हो रहा है, तो उसको वो ये बचा देगा ये ब्रेकडाउन होकर, जो भी अगर इधर प्रॉब्लम होगा फॉल्ट होगा। तो उसके आगे हम लोगों को आगे यूज़ करना चाहिए RCCB या ELCB। तो हम लोग यूज़ नहीं करते, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि इसको क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग मैन्युअली अभी इसको, मान लीजिए मेरे पास नहीं लगाया हुआ है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, हम लोग सिंपल से देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ से MCB से बिजली आ रहा है वो सीधे बोर्ड में जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन को समझते हैं, कौन कौन से कंडीशन पर क्या होता है। मान लीजिए अगर आपके पास एक फ़ैन है जिसमें 3 पोल वाले वायर हैं, जिसमें आपका फ्यूज न्यूट्रल और एक अर्थिंग का भी है, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के आपके घर के फैन में ये रहते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे अर्थ रहता है और एक फेज न्यूट्रल रहता है, तो उस टाइप के भी पंखे होते हैं। और आप घर में देखेंगे कि एक प्रकार का ऐसा भी पंखा होता है जिसमें केवल फेज और न्यूट्रल होता है, ठीक। तो हम पहले इस वाले कंडीशन पर बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं घर में एक एक्स्ट्रा हम लोग अर्थ रखते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आकाशीय बिजली अगर गिरता है तो उससे भी घर को प्रोटेक्ट करता है ये, और साथ में ये हम लोग घर में अगर कोई किसी डिवाइस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई लीकेज हो जाता है तो उससे भी ये हम लोग को सेफ्टी देता है। जैसा कि मान लीजिए ये आपका 3-पिन सॉकेट है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर दे देते हैं अर्थ, और फिर यहाँ से ये क्या होता है कि यहाँ तक फैन में होते हैं, हम लोग बॉडी में इसको अटैच कर देते हैं, इस अर्थ को हम लोग बॉडी से अटैच कर देते हैं फ़ैन के। तो क्या होता है इन केस कभी फ्यूचर में ये अगर शॉर्ट कर जाता है यहाँ से, ये देखिए मान लीजिए ये फेज वायर है ऐसे आ रहा है और ये न्यूट्रल वायर है, दोनों फ़ैन को रोटेट कर रहा है, ठीक। मान लीजिए इनकेस कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, कभी फ़ैन ज़्यादा देर चल गया तो हीट कर गया, तो इसका जो भी लेमिनेशन होता है वायर पे वो लीकेज कर गया, तो ये क्या होगा बॉडी से अटैच कर जाएगा। जैसे बॉडी से अटैच कर जाएगा तो क्या होगा, इससे बॉडी में पूरा फुल करंट आने लगेगा, तो करंट आएगा तो हम लोग जब इसको टच करेंगे तो हम लोग को शॉक लग सकता है। अगर ये बॉडी से अटैच नहीं रहेगा तो ये न्यूट्रल जो अर्थ वायर है, अगर बॉडी से अटैच नहीं रहेगा तो, अगर जब अटैच रहेगा तब क्या होगा, देखिए क्या होगा, अगर जैसे ही लीक करेगा ये फेज वायर, जैसे ही लीक करेगा इसमें अटैच होगा तो ये ऑलरेडी पहले से क्या है अर्थ वायर है, जैसे ही अटैच होगा शॉर्ट सर्किट होगा, एक यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, या तो दो कंडीशन अप्लाई होता है, या तो इसका तार जल जाए या अर्थ का, या तो फेज का तार जल जाए। अगर दोनों हेवी वायर हैं तो क्या होगा, हमारे जो यहाँ पर सर्किट में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ वो जल जाएगा, फ्यूज जल जाएगा, या ये जो सर्किट लगा हुआ है मिनिएचर सर्किट MCB वो ट्रिप कर जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर कभी भी इस टाइप के अगर हम लोग घर के वायरिंग में अगर इस टाइप का फॉल्ट होता है तो हम लोग का MCB ट्रिप कर जाता है या फ्यूज जल जाता है, और हम लोग सुरक्षित रह जाते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं होता, ठीक, क्योंकि यहाँ सीधी सी बात है जो भी फेज यहाँ करंट होता है वो सीधे यहाँ से ग्राउंड हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को कोई शॉक नहीं लगता। तो ये मेथड बहुत ही परफेक्ट है, हम लोग को घर में रखना चाहिए। हम लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम लोग ये वायर नहीं लगवाते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है, ये हम लोग घर में रखना चाहिए, हम हमेशा वायरिंग करवाना चाहिए इस टाइप का। चलिए हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम लोग घर में ऐसा भी पंखा रहता है जिसमें सिर्फ 2 वायर रहते हैं, हम लोग सॉकेट में इसको प्लग इन करके और फ़ैन को यूज़ करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ैन में या किसी और डिवाइस में किसके बॉडी पर करंट आने लगता है, हम लोग टच करते हैं तो उससे कैसे बचें, इस टाइप के प्रॉब्लम्स बचने के लिए हम लोग RCCB या ELCB का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दोनों फेज और न्यूट्रल आ रहा है,
और ये बॉडी से मान लीजिए यहाँ पर कभी लीक कर गया, ये चल रहा कभी ऐसा है लीक कर गया, इसके बॉडी पे करंट आने लगा, लेकिन यहाँ से इसका बाईपास होने के लिए कहीं से भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि इसमें तो था ऐसा कि हम लोग न्यूट्रल बॉडीज कर दिए थे, तो जो भी करंट इस पर आता था वो बाईपास हो जाता था अर्थ को, ओके, और सर्किट ट्रिप कर जाता था शॉर्ट सर्किट के कारण, यहाँ पर बिजली कट जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ जो भी करंट होगा इसके बॉडी पर आने लगेगा, और हम लोग जब जाके टच करेंगे इसको तो हम लोग को शॉक लगेगा, राइट। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस RCCB का यूज़ करेंगे। अब ये देखिए कैसे काम करेगा, यहाँ से जब भी इसका जो काम है ये एक तरह से बैलेंस अनबैलेंस पर काम करता है, ये RCCB जो है ये एक जो करंट देता है यहाँ से, इसका जो करंट रिवर्स में भी उतना ही करंट इसको मिलना चाहिए, तो ये प्रॉपर है। अगर इसको थोड़ा भी सेंसिटिव टाइप का अगर ड्रॉप होता है थोड़ा सा भी इसके करंट में, तो ये यहाँ पे इसको ट्रिप कर देता है। तो देखिए जैसे क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके बॉडी पे करंट आ रहा है, और हम यहाँ पे इस फिगर को अनुसार समझते हैं कि जैसे अगर हम इसको टच किए तो क्या होगा, कुछ करंट हम लोग को बाईपास होगा यहाँ से बॉडी अर्थ को, तो कुछ करंट यहाँ से जो भी करंट आ रहा था वो थोड़ा देर के लिए कुछ सेकंड के लिए बाईपास हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे एक हल्का सा इसको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि मैं तो इतना करंट भेजा था और मुझे तो इतना ही करंट मिला, तो उसी सेकंड ये जस्ट माइक्रो सेकंड में सारा काम होगा जिससे इसको ट्रिप कर देगा। तो क्या होगा, हम लोग जैसे ही भी यहाँ टच करेंगे तो हम लोग को कुछ क्षण भर के लिए थोड़ा सा करंट लगेगा, और ये सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगा और बोर्ड का लाइन कट जाएगा। तो क्या हो सकता है, इससे बड़ी से बड़ी घटना से हम लोग बच सकते हैं। अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो क्या होगा, अगर हम इसे पूरा फुल बॉडी पे करंट आ रहा है हम ऐसे टच किए हुए हैं, तो क्या होगा सारा करंट मेरे बॉडी से बाईपास होकर अर्थ की ओर जाएगा, तो क्या होगा हम लोग को पूरा फुल हम लोग इसमें चपके रह जाएंगे, और हम लोग करंट हमेशा कंटिन्यू फ्लो में बाईपास होते रहेगा, तो हम लोग की जान भी जा सकती है, या हम लोग ऐसा ना बताए कि हम लोग हॉस्पिटल ले जाना पड़े। तो इसलिए हम लोग अगर ये RCCB यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग बच सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग तो बच ही जाते हैं इसके वजह से, तो इसलिए हम लोग को RCCB यूज़ करना ज़रूरी है। तो ऐसे तो हम बोलेंगे कि आप दोनों ही यूज़ करिए, घर में दोनों आप लगाइए, आप प्रॉपर अर्थ भी रखिए और RCCB यूज़ कीजिए, जिससे आप प्रॉपर एक घर को अच्छे से सेफ्टी दे सके, क्योंकि एक स्मार्ट जो होम होता है वो कभी स्मार्ट होम नहीं कहला सकता जब तक उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी का सेफ्टी ना हो। तो चलिए हम लोग उसको ज़रा प्रैक्टिकली थोड़ा करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, राइट। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये RCCB हम लोग के पास है, जैसे इसका जो हम रेटेड करेंट देख सकते हैं यहाँ पे 40 एम्पियर है करेंट, रेटेड करंट जो है 40 एम्पियर है, और इसका जो ट्रिपिंग करंट है वो 30 मिली एम्पियर है, ओके, जो हम लोग का रेसिडुअल करंट बोलते हैं इसको। तो ये और भी ज़्यादा एम्पियर में आते हैं, 100 एम्पियर 300 मिली एम्पियर में आते हैं। तो जो 300 मिली एम्पियर वाले होते हैं वो फैडिंग में यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर ज़्यादा फैडिंग आग लगने की संभावना होती है वहाँ पे वो सब यूज़ होता है। घर में आप बस ये यूज़ कर सकते हैं छोटा सा, काफ़ी है ये घर के लिए, इतना इनफ है, इतना सेंसिटिव होता है ये कि घर में अगर छोटा सा अगर कहीं शॉक लगे तो ये ट्रिप कर जाएगा और आपको जान जाने से बचा सकता है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इस प्लग के साथ और इस बल्ब के साथ, और फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे फिंगर से टच करके कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग सेटअप कर लेते हैं। इसमें देखिए हम लोग कैसे किधर से सप्लाई देंगे, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1N 2N, तो 1N का मतलब है इधर से इनपुट होगा, ओके, ये न्यूट्रल है और 1 जो है फेज है, और इधर से आउटपुट में न्यूट्रल निकल जाएगा और 2, इधर से जो 2 है वो आउटपुट फेज है। तो इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1N, मतलब हम लोग इधर से इनपुट देंगे, इधर से यहाँ पे 2N लिखा हुआ है, इधर से हम लोग आउटपुट लेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग अरेंज कर लेते हैं सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग से इधर से 1N की तरफ से इनपुट देते हैं इधर से, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं ये 1 की तरफ हम लोग फेज वायर को कस लेते हैं और इधर को ये न्यूट्रल, ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पर अच्छे से टाइट कस लें ताकि कोई लूज वायरिंग ना हो, लूज होगा तो फायरिंग इसमें आग लग सकता है, तो इसलिए हमेशा टाइट ही कसा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इधर से इसको भी कस लेते हैं इसका आउटपुट को, और इसके साथ हम लोग एक्स्ट्रा वायर को भी कसेंगे इसमें ताकि हम लोग इसको टच करके भी चेक कर सके कि ये ट्रिप कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको भी हम कस लेते हैं इसमें अच्छे से, इसको हम फेज वायर के साथ कसेंगे। चलिए इसको फेज के साथ हम लोग
कस लेते हैं इसमें अच्छे से। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे न्यूट्रल वायर भी अच्छे से कसा गया, तो सभी को एक बार अच्छे से टाइट कर लीजिए ताकि लूज़ कांटेक्ट ना रहे। लूज़ कांटेक्ट रहेगा तो स्पार्क लेगा, स्पार्क लेगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए अच्छे से जब भी आपका इसका वायरिंग कीजिए तो अच्छे से पूरा सबको अच्छे से टाइट किया कीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको सप्लाई देते हैं और टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो ये जैसा कि अब मैंने इसको प्लग इन कर दिया और इसको मैंने सप्लाई दे दिया, तो चलिए अब हम एक टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर फेज़ आ रहा है या नहीं। जैसा कि यहाँ फेज आ रहा है आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग उसको इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं ये काम कर रहा है। चलिए, तो ये काम कर रहा है, तो हम लोग इसका ट्रिपिंग जो स्विच है ये देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो ट्रिप करके देखते हैं, हाँ ये ट्रिप कर रहा है। इसको टेस्ट स्विच भी बोलते हैं। इसको मंथ में जब घर में आप लगाइए तो इसको मंथ में एक बार हमेशा टेस्ट कर लेना चाहिए ट्रिप कर करके कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं। अगर काम नहीं कर रहा है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आप हमेशा इसको एक एक महीने पे टेस्ट करते रहना चाहिए तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक बार इस कंडीशन को देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में ये ट्रिप कर जाता है। तो चलिए एक बार मान लेके देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ इसके आउटपुट से इस बल्ब को ग्लो कर रहे हैं तो ये बल्ब जल रहा है, ठीक। तो चलिए कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर मान लीजिए इन केस हम लोग इसके आउटपुट से ग्राउंड ले लें, ओके, और इसके इनपुट से फेज ले लें, तो ये देखिए क्या होगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा और ये एक्सेसिव ट्रिप कर जाएगा, ओके। और चलिए इन केस अगर ये एक कंडीशन ले लेते हैं कि इस आरसीसीबी के फेज जो आउटपुट है इससे फेज ले लेते हैं और इनपुट से ग्राउंड ले लेते हैं, ओके, ये आउटपुट से हम लोग फेज लिए और इनपुट से ग्राउंड लिए, फिर भी ट्रिप कर गया, ओके। तो मतलब ऐसा दोनों कंडीशन में भी ट्रिप कर जा रहा है। तो ऐसा तो क्लियर हो गया कि अगर आप इसको जब भी घर में लगा रहे हैं तो आपके इसके जो भी आउटपुट लाइन होगी उसको आउटपुट लाइन को इनपुट से कनेक्ट नहीं कर सकते किसी बल्ब को या किसी चीज़ से, वरना ये ट्रिप कर जाएगा। तो ये टेस्ट तो हो गया। चलिए हम लोग एक और टेस्ट कर लेते हैं ग्राउंड वायर से। जैसे हम लोग पास ग्राउंड वायर है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते ये वाला ग्राउंड वायर जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला ग्राउंड वायर है ये। तो हम लोग अर्थ वायर से इसको चलिए हम लोग एक बार ट्रिप करा कर देखते हैं ये ट्रिप कर रहा है कि नहीं। ये जैसा कि हो गया, तो ये हो गया, ये हम लोग का फेज़ लाइन है और ये ग्राउंड है। अगर इससे मान लीजिए फेज़ जैसे ये मान लीजिए कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है कॉइल और डायरेक्ट इसका जो फेज़ वायर है यहाँ पर, इस कंडीशन में भी आप मान सकते हैं इसमें कि अगर ये होता है तो क्या होगा, तो ये भी उस कंडीशन में भी ट्रिप कर जाएगा। ये देखिए ट्रिप कर गया, फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ट्रिप कर जा रहा है। तो ये ग्राउंड से भी अटैच करने पर ट्रिप कर जा रहा है। तो चलिए अब अर्थ से देखते हैं, अर्थ से इसको टच कराकर इसके अर्थ को इसके न्यूट्रल से, ये जैसे हम न्यूट्रल लेवल ले जा रहे हैं ये कुछ नहीं हो रहा है, ट्रिप नहीं कर रहा है। इसका मतलब सीधी क्लियर है कि जब भी फेज़ लाइन अगर आपके घर में कोई लीकेज होगा अर्थ से अटैच में आएगा तो ट्रिप कर जाएगा। वैसे ट्रिप करने के लिए हम लोग तो ऐसे लगाए हुए हैं यहाँ पर एमसीबी, जैसे भी शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी ट्रिप करा देता है, ओके। लेकिन अगर इस एमसीबी हम लगाते हैं अगर मेन इसके न्यूट्रल और फेज में अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें भी ट्रिप कर जाता है, ये ट्रिप करा देगा। और जो ये होगा अगर किसी आपको एक्सटर्नल अर्थ है और उससे कोई अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये भी ट्रिप करा देगा और ये भी आपका एमसीबी भी ट्रिप करा देगा, ओके। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये ट्रिप कर जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको अब हाथ से टच करके देखते हैं कि ये ट्रिप कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर इसमें कोई किसी प्रकार का लीकेज होता है फैन में, अगर इसके फेज वायर में अगर बॉडी पर करंट आता है अगर हम टच करते हैं तो ये आरसीसी भी ट्रिप कर जाना चाहिए, ओके। और हाँ, जब भी इस टाइप का कुछ भी आप करें तो किसी की निगरानी में करें, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ हो रहा है पूरा फुल सेफ्टी को देखते हुए हो रहा है। तो ऐसा घर पर करने से पहले फुल सेफ्टी का ध्यान रखें, वरना ये ऐसा काम ना करें, ओके। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं अब। तो हम लोग अब इसको टच करने वाले हैं, तो चलिए 3 2 1 लगा, थोड़ा सा लगा इसमें करंट, तो कोई ना एक बार हम लोग फिर से ऑन करते हैं इसको, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं कि ये फिर से ट्रिप कर रहा है कि नहीं। 1 2 3 फिर से ही ट्रिप कर गया, ओके। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। अगर इनके साथ का बॉडी अगर अर्थ से कनेक्टेड रह रहा है तो ये प्रॉपर ट्रिप करेगा, ओके। और देखिए सीधी सी बात है, अगर आपका ये ट्रिप किस कंडीशन में करेगा, नहीं करेगा, जब आपका बॉडी अर्थ से प्रॉपर लीकेज प्रॉपर करंट
कनेक्ट नहीं होगा। तो जब प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगा तो सीधी सी बात है आपको ज़्यादा करंट नहीं लगेगा, थोड़ा सा करंट लगेगा जिससे कुछ होने वाला नहीं है, नॉर्मल सा करंट लगेगा। लेकिन अगर हेवी करंट लगता है, जैसे कि आपका बॉडी फुल अर्थ से कनेक्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका बॉडी फेद से चिपका रह जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा हेवी करंट लग जाता है तो आपकी जान भी जा सकती है। ऐसा भी होता है कि इन केस में हम लोग कभी कभी देखते हैं कोई कोई चिपका रह जाता है करंट से, उसको बहुत ज़्यादा हेवी करंट लग जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है या तो जान भी चला जाता है। तो हम लोग ये RCC भी लगा कर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी ले सकते हैं। तो इसलिए घर आप बनाइए तो उसमें दोनों चीज़ को पूरे अच्छे से सिस्टम को सेट करवाइए। एक तो पहला नंबर ज़रूरी है कि आप घर में ये एक्स्ट्रा अर्थ ज़रूर लगाएं, ठीक, क्योंकि ये कभी फेल कर सकता है, ठीक है, एक ऐसा फ्यूचर में उसका जो भी इसमें अंदर कॉइल लगा हुआ है इनकेस कभी फेल कर सकता है, लेकिन ये कभी फेल नहीं करेगा। अगर आपका वायर परफेक्ट है तो फेल नहीं करेगा, ओके। तो इसलिए इसको तो 100% आप लगाइए, और इसको भी आप लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा ऐसा सेफ्टी मिलेगा आपको। तो आप हम बोलेंगे आपको अपने घर में दोनों को लगाइए। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन से आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका अभी करेंटली रेट जो चल रहा है 2649 के अप्रॉक्स मिल रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, से मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।